सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर भाजपा कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों ने हल्ला बोल दिया है। यहां पर यूपीएसआई भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों ने नवंबर 2021 में हुई परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। वहीं सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई है। अभ्यर्थियों ने सीएम योगी से न्याय की मांग की। बताया जा रहा है कि सभी अभ्यर्थी पिछले 20 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त भी हंगामा चल रहा है। यूपीएसआई की जो परीक्षा है 2021 की, उसको लेकर धांधली का आरोप इन्होंने लगाया है और इस वक्त ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, लेकिन यूपीएसआई परीक्षा 2021 में धांधली का आरोप लगाते हुए ये लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और लखनऊ में भाजपा कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, पुलिस फोर्स पहुंची है, इन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। पर इन लोगों की मांग ये है, इनका आरोप ये है कि 2021 में जो 2021 की परीक्षा हुई उसमें धांधली हुई थी और सीएम योगी न्याय दें। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या इनकी मांगे हैं और कोई भाजपा का नेता इनसे मिलने आया या ये प्रदर्शन व्यर्थ रहा इनका? अवधेश, ये दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी हैं और करीब 9,534 भर्तियां पिछले साल दिसंबर को निकाली गई थी। परीक्षा हुई, शारीरिक परीक्षा हुई, लिखित परीक्षा हुई, सारे परीक्षा पास करने के बाद जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे उनकी नौकरी की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इन अभ्यर्थियों का कहना है कि मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी की गई है, जो कट ऑफ था उसको नजरअंदाज करते हुए तमाम ऐसे लोगों को योग्य कैंडिडेट घोषित किया गया और उनको भर्ती की प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है जो किसी भी तरह से काबिल नहीं है और जो काफी जिनके नंबर काफी कम आए हैं। और उन्होंने पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं, भर्ती बोर्ड को कटघरे में खड़ा किया है। इस बात को लेकर कई दिन से ये अभ्यर्थी प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हुए हैं और यहाँ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी उनका धरना प्रदर्शन हुआ था और आज इन्होंने, चूंकि इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इनका कहना है कि मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की गई लेकिन वहां पर जाने से पहले ही उनको रोक दिया जाता है। वहां अगर वो जनता दरबार में जाने की कोशिश करते हैं तो भी उनकी जो पर्चियां हैं वो नहीं ली जाती हैं और उनको बाहर से बैरंग लौटा दिया जाता है। तो आज इन्होंने भाजपा कार्यालय का घेराव करने की रणनीति बनाई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहले से सतर्क थे, वहां भाजपा कार्यालय के मुख्यालय के आसपास तमाम सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी, बैरिकेडिंग कर दी गई थी, लेकिन करीब 1 बजे अभ्यर्थी भारी संख्या में पहुंचे जिसमें महिलाएं भी थी, युवतियां भी थी, कई पुरुष हैं और सब प्ले कार्ड हाथ में लिए हुए थे जिसमें कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया को फिर से किया जाए और जो गड़बड़ियां हुई हैं, अनियमितता हुई हैं, इनको ठीक किया जाए, जो काबिल कैंडिडेट हैं उनको मौका दिया जाए और जो जिनके नंबर कम आए हैं उनकी जांच करा के उनको फिर से वापस, उनको जो प्रक्रिया चल रही है उससे हटाया जाए। ऐसी तमाम मांगों को लेकर आज यहां पर भाजपा मुख्यालय का घेराव किया है। वहां पर चूंकि गर्मी हुई है, भीषण गर्मी है और फोर्स, पुलिस फोर्स के साथ धक्का मुक्की हुई है, भीतर जाने की कोशिश कर रहे थे लोग जो भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए हैं लोग, बिल्कुल ये तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इनसे बातचीत कौन करता है और क्या कोई हल निकलता है या नहीं निकलता। धन्यवाद आपका विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।